रितेश देशमुख अपने पापा के कितने करीब थे ये बात तो हर कोई जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर रितेश अक्सर अपने पिता के साथ की फोटोज और वीडियोज शेयर करते नजर आते हैं। बहरहाल रितेश देशमुख ने रविवार को अपने दिवंगत पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की प्रतिमा के अनावरण में शामिल होने लातूर पहुंचे थे, जहां वो लोगों को संबोधित करते हुए अपने पिता को याद करके भावुक हो गए। रितेश के भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान उन्हें लातूर से कांग्रेस विधायक और उनके बड़े भाई अमित सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। दरअसल रितेश अपने दिवंगत पिता की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर भावुक हो गए। उन्होंने अपने भरे हुए गले से कहा, मेरे पिता को गुजरे हुए 12 साल हो गए हैं, कभी कभी दर्द बाहर आ जाता है, वो हमेशा चमकते थे और आज भी चमक रहे हैं और ये चमक कभी कम नहीं होगी, वो हमेशा मजबूत रहे ताकि हम उनके बच्चे सीना तान कर खड़े हो सके। आज हालांकि वो शारीरिक रूप से हम लोगों के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे लिए उनका प्यार हमेशा रहेगा। और इसी दौरान रितेश देशमुख इस कार्यक्रम के दौरान फूट फूट कर स्टेज पर रो पड़े। अपने पिता के बारे में बातचीत करते हुए वो भावुक हो गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मी आर्किटेक्ट झालो, परंतु मला वाटतं की त्यांच्याकडून ही गोष्ट शिकण्यासारखी होती की मुलांवर कधी कुठल्याही गोष्टीचा दबाव आणण्याची गरज नाही, त्यांची स्वप्ने त्यांना जगू द्यावी।